ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चाहे शिक्षकों की समस्या हो, कर्मचारी की समस्या हो और शैक्षिक संस्थान छात्रों से जाना जाता है, इनकी समस्या तो दिन प्रतिदिन रहती ही है। छोटा समस्या हो चाहे बड़ा समस्या हो, सबसे बड़ी समस्या मिथिला विश्वविद्यालय में रहती है रिजल्ट प्रकाशन की। कई संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाता है लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। इसी क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिषद ABVP के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। कई जिलों के छात्र, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के छात्र आकर सद्बुद्धि यज्ञ में भाग लिए। कहा कि सद्बुद्धि यज्ञ करने का मेरा यही उद्देश्य है कि वर्तमान में जो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव एवं संबंधित पदाधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि हो और छात्रों का जो रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं होता है वो रिजल्ट समय पर प्रकाशित हो, इसी को लेकर हम लोग ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये मिथिला विश्वविद्यालय है, यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 6 महीना से लगातार बच्चे रिजल्ट के लिए परेशान हैं। विश्वविद्यालय का बयान आता है कि हम केवल परीक्षा लेंगे और रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों का परीक्षा के कारण, रिजल्ट नहीं मिलने के कारण, मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण, स्कूल महाविद्यालयों में TR नहीं पहुँचने के कारण अभी तक उनका कैरियर गाँव पे लगा हुआ है। तो उसी के लिए यहाँ विश्वविद्यालय के लिए जब विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए आती है, BC से विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए जब पदाधिकारी से आते हैं तो उनका बयान रहता है, वो कहते हैं कि हम कार्यालय में नहीं हैं, लेकिन उनको कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में इफ्तार पार्टी करने की फुर्सत है। तो हम लोग बस विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मिथिला विश्वविद्यालय का है, आज हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में BC को भ्रष्ट BC जो है और रजिस्ट्रार जो सांप्रदायिकवाद रजिस्ट्रार महोदय हैं और संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि के लिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें और भविष्य का कैरियर को बर्बाद न करें, उसके लिए हमने सद्बुद्धि का आयोजन किया है। इफ्तार करना गलत है? आप हर एक चीज़ का परमिशन करिए, हम हर एक धर्म को मानते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस में आप छात्रों का रिजल्ट करिए। एक तरफ पार्टी का मतलब हुआ कि आप उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहाँ भविष्य छात्रों के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ उसके भविष्य का अंधकार कर रहे हैं और एक तरफ पार्टी मना रहे हैं आप, ये सरासर गलत है और विद्यार्थी में इसका विरोध करते हैं। अच्छा, इसमें सीधा सीधा दोषी आप किसे मानते हैं? हम सीधा सीधे दोषी विश्वविद्यालय के किसी को मानते हैं और रजिस्ट्रार, कितना रजिस्ट्रार को जहाँ जहाँ गए हैं ये इस तरह का शासन व्यवस्था करके आए हैं। जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का नियमित आरोप चल रहा है, विभिन्न तरह का जांच चल रहा है, फिर भी उनको विश्वविद्यालय आला कमान बनाकर उनको बिठाई हुई है और जब जब जहाँ जहाँ जाते हैं व्यवस्था खराब करते हैं, मुख्य रूप से दोषी उन्हीं को मानते हैं। राजभवन के राजभवन के आदेश पर भी कुलपति या प्रतिकुलपति या रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है, आपको क्या लगता है इसमें? इससे पहले कि देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन यहाँ पे सबसे समझने वाली बात है कि कार्य करने की पद्धति कैसी होती है। इससे पूर्व के जो राज्यपाल थे, हमको लगता है सेशन उन्होंने अपडेट कर दिया था, साथ ही हर एक चीज उनका अपडेट हो चुका था हर एक चीज करके, लेकिन अभी नए राज्यपाल आए हैं तो हम लोगों की मांग अभी यहाँ से लेकर के राजभवन तक होने वाली है। अभी शुरुआत विश्वविद्यालय से हुई है, लेकिन राजभवन जब तक राज्यपाल जो मेन कुलाधिपति होते हैं वही, जब तक उनकी भी बर्खास्तगी नहीं होगी, जब तक नए कुलपति नहीं आएंगे तब तक हमारी आंदोलन जारी। आप लोग क्या किए हैं यहाँ? सद्बुद्धि महायोग का आयोजन किया। कितने लोग यहाँ शामिल हुए इसमें? यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर से कार्यकर्ता है। नाम बताइए। हरिओम झा, जिला सदर, दरभंगा। पर क्या हो रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन उनका बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है,
जो कि विद्यार्थी के छात्रों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है यहाँ के VC और रजिस्ट्रारों को। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने का काम करते हैं और जिन पे जांच चल रही हो वो अधिकारी अपने पद पे कैसे रह सकते हैं। इसकी जांच माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा करनी चाहिए। और विगत दिनों में यहाँ पे आपको रिजल्ट जारी करने का समय नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाते हैं, भव्य इफ्तार पार्टी मनाया जाता है, नमाज अदा किया जाता है शिक्षण संस्थान पर। आप किसके द्वारा? विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इफ्तार आयोजित किया गया होगा। अब जबकि यहाँ पे विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोई भी सरकारी संपत्ति या शिक्षण संस्थान एक धार्मिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। इफ्तार करना तो गलत नहीं है? गलत नहीं है, लेकिन आप गलत कैसे, गलत है और नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि इफ्तार एक धर्म विशेष को लेकर इफ्तार मनाया जाता है जिसमें सभी लोग के धर्म शामिल, सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ छात्रों के भविष्य को साल भर पेंडिंग में रख के अब इफ्तार मना रहे हैं, उसमें आपके कई राजनीतिक दल के लोग शामिल हो रहे हैं, इसका क्या मतलब जाता है, क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? नाम बताइए। आशुतोष गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विद्यार्थी परिषद दरभंगा। तो क्या इसके लिए आप आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे ये है कि चरणबद्ध आंदोलन चलेगी, जो आज जिसकी आज शुरुआत सद्बुद्धि महायज्ञ से की गई है, और विभिन्न प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन को जागृत करने हैं। तो हम लोग आगे छात्रों के मुद्दा को लेकर VC साहब और रजिस्ट्रार साहब से मिलने का काम करेंगे और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, इसका कार्य किया जाए विद्यार्थी परिषद के द्वारा।